पहली बात, रिव्यू करना मेरा काम है इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेलर्स और सॉन्ग्स देखने के बाद भी अगर आप RRR देखने के लिए किसी रिव्यू का वेट कर रहे हैं तो ये पाप है पाप। आज तो मैं भी रिव्यू जैसा रिव्यू नहीं करने वाला, क्योंकि RRR एक सिनेमैटिक सेलिब्रेशन है जिसका सिर्फ हिस्सा बना जा सकता है। इसलिए अगर अभी तक प्लान नहीं किया है तो जल्दी जाके टिकट बुक करवाइए बॉस। सबसे पहले शुरू करते हैं दोनों हीरोज की एंट्री से। राम राजू बने रामचरण की एंट्री देखकर आपको अपनी हार्ट बीट बढ़ती हुई और थिएटर में गूंजती हुई सुनाई देगी, और कुमारम भीम बने जूनियर NTR की एंट्री पर रोंगटे तो खड़े होंगे ही, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं आप ही खड़े ना हो जाएं। फिर जिस सीन में ये दोनों पहली बार मिलते हैं वो तो मैजिकल है। दोनों वर्ड्स में नहीं एक्शंस में बात कर रहे हैं, और ऐसी शानदार एक्शन कोरियोग्राफी जैसे कोई खूबसूरत गजल पढ़ी जा रही हो। फिर आता है गाना। RRR का नाचो नाचो सॉन्ग पहले ही खूब पॉपुलर हो चुका है, लेकिन जब आप इस गाने को फिल्म में देखेंगे तो ऐसा मन करेगा कि थिएटर में बस ताल से ताल मिला ही दें। ये एक तरह का डांस ऑफ है, और रामचरण और जूनियर NTR ने जिस तरह डांस किया है उसे देखकर दिल का पुर्जा पुर्जा डांस करने लगेगा। RRR का इंटरवल ब्लॉक सिनेमैटिक मोमेंट की डेफिनेशन है। फर्स्ट हाफ का एक एक मोमेंट, एक एक सीन, एक एक एक्शन और पूरा ड्रामा मिलाकर इंटरवल से पहले का सीक्वेंस आपको उस हाई पर ले जाता है जो पता नहीं आपको किसी फिल्म से आखिरी बार कब मिली होगी। इंटरवल के बाद आते हैं अजय देवगन और उनकी बैक स्टोरी, और राजामौली ने जिस तरह स्क्रीन पर अजय को दिखाया है उसे देखकर कट्टर बॉलीवुड फैंस की तो आंखें भर आएंगी। अजय देवगन डिजर्व समवन लाइक राजामौली। अजय के पूरे स्टोरी आर्क में इतना ड्रामा है जिसका इमोशन आपको अपने खून में दौड़ता हुआ फील होगा। फिल्म के सेकेंड हाफ में स्टोरी की स्पीड जरूर थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन सच्चे सिनेमा फैंस जानते हैं कि जब डायरेक्टर ड्रामा डेवलप करने में अपना टाइम ले रहा होता है तो आगे एक बहुत बड़ा धमाका वेट कर रहा होता है। और RRR के आखिरी के 30 मिनट्स आप उस धमाके की हीट अपनी वेन्स में फील कर पाएंगे। RRR के एक्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका स्टाइल बहुत ही इंडिजिनस है, और आप इसे हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड किसी फिल्म से मिलता जुलता हुआ नहीं पाएंगे। ये ओरिजिनैलिटी और खूबसूरत एक्शन कोरियोग्राफी शानदार विजुअल्स के साथ मिलकर ऐसा मैजिकल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं कि आपका दिल इससे एक बार में भरेगा ही नहीं। फिल्म देखने के बाद मेरा खुद का मन हुआ कि अब अगले शो में घुस जाता हूँ। फिल्म में आलिया भट्ट का रोल बहुत छोटा है और टिपिकल हीरो की लव इंटरेस्ट वाला मामला है, लेकिन राजामौली अपने हीरोज को जितना लार्जर देन लाइफ और ग्लोरियस दिखाते हैं अपनी हीरोइन को उसी तरह सुंदरता की देवी भी दिखाते हैं। उनका ड्रामा, एक्शन, कोरियोग्राफी सबके अंदर एक इमोशन है जो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाता है, और इस दुनिया को थिएटर में जिंदा करने में MM क्रीम का म्यूजिक बहुत पावरफुल कंपेनियन है। ये मैजिकल वर्ल्ड आपको 3 घंटे वहीं पर स्क्रीन से चिपका के रखता है। रामचरण की इंटेंसिटी और जूनियर NTR की एनर्जी भयानक है। दोनों के काम के बारे में वैसे तो ऑलरेडी मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी इतना ही कहा जा सकता है कि RRR में इन्होंने वो लेवल अचीव कर लिया है जिसे दोबारा पाने में इन्हें या तो बहुत वक्त लगेगा या फिर खुद राजामौली लगेंगे। हालांकि रिव्यू देने वाला दिल मानेगा नहीं, इसलिए बोल देता हूँ, इस फिल्म में एकमात्र छोटी सी कमी जो खली वो थी स्क्रीन फाड़ भयानक खूंखार विलेन की। ब्रिटिश फोर्सेस और ऑफिसर्स के जुल्मों गारत की दास्तां स्क्रीन पर वैसे भी हम बहुत देख चुके हैं और थोड़ा सा यूज टू भी हो गए हैं उसे स्क्रीन पर देखने का, लेकिन RRR उस ब्रिटिश इंडियन वर्ल्ड को भी एक नए तरह से दिखाती है। हालांकि फिर भी जैसे बाहुबली में भल्लाल देव था वैसा कुछ भयानक विलेन यहाँ होना चाहिए था। कुल मिलाकर RRR राजामौली का एक और एपिक है जो इंडियन सिनेमा के सबसे ग्लोरियस मोमेंट्स में से एक कहा जा सकता है, और इसे एक ही बार नहीं कई कई बार और हर बार एंजॉय किया जाएगा। हमारी तरफ से जूनियर NTR और रामचरण की RRR को 4 स्टार्स।